हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यू माय ट्रैवलर्स। आज हम आके पहुंच चुके हैं और एक नई जगह पे, और आज हम आए हैं बैंगलोर से तलकाड़ू। तलकाड़ू एक छोटा सा टाउन है जो कि कावेरी रिवर के बैंक में बना हुआ है, और इसका हिस्टोरिकल मान्यता यह है कि यहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स हैं जो कि बालू में दफन हो गए हैं, जो कि सैंड में दफन हो गए हैं। रफली 30 ऐसे टेम्पल्स थे जो कि बालू में दफन हो गए हैं। और यहाँ पे जो जो यहाँ पे रिवर का जो शोर है और जो रिवर साइड है, वहाँ पे बहुत सारे बालू हैं जो आपको बीच जैसा फील देता है, तो इसलिए इसको तलकाड़ू बीच भी बोला जाता है। अगर आप गूगल में सर्च करिएगा तो आपको ये भी दिखाएगा। तो अभी हम आके पहुँच चुके हैं, बहुत लेट निकले, तो चलिए पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं और उसके बाद बाकी डिटेल मैं आपको दिखाते जाता हूँ। तो अभी हम लोग नाइस रोड पे रुके हुए हैं एक चाय ब्रेक के लिए, और घर से हमने चाय और बिस्किट लेके आए थे। काफ़ी लेट हो गया है, 11 बज चुका है, और हम लोग का जो तलकाड़ू का प्लान था वो आज यूजल थोड़ा लेट हो चुका है, 2.5 घंटा लगेगा अभी भी। तो एक ब्रेक ले लेते हैं फिर आगे चलते हैं। ये देखिए यहाँ पर रोड साइड में हमने लगा दिया है, और बच्चे गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं और हम लोग इधर बाहर थोड़ा सा चाय का मज़ा ले रहे हैं। तो चलिए आगे जो जो होता है मैं आपको अपडेट देते जाता हूँ। अभी हम लोग मैसूर रोड का एग्जिट ले रहे हैं, और बीच में थोड़ा सा ही रोड का काम चल रहा था, बाकी रोड हो गया है रेडी। तो अभी हम लोग NH 275 पे पहुंच चुके हैं, और थोड़ा सा ट्रैफिक जाम है, और थोड़ा सा ही आगे आपको एक फ्लाईओवर मिल जाएगा जो कि लगभग 7 किलोमीटर का फ्लाईओवर है। तो चलिए आगे चलते हैं, जो जो अपडेट होगा मैं आपको दिखाता हूँ। आपका पहला टोल गेट आ गया जो कि मैसूर रोड पे अभी बना है NH 275 पे, और चार्ज अभी तक हुआ है कि नहीं पता नहीं, लेकिन चलिए देखते हैं, अगर पैसा कटेगा तो पता चल जाएगा और मैं आपको अपडेट भी कर दूंगा कितना कट रहा है। ये ओपन है, मतलब इसका कुछ बैरिकेड टाइप का नहीं है, डायरेक्टली आप क्रॉस करके जा सकते हो विदाउट स्टॉप किए हुए। अभी हम लोग रामनगर का बाईपास क्रॉस कर रहे हैं, अभी रामनगर के अंदर हम लोग देखे नहीं जा रहे हैं। अब ये पहाड़ देखिए बहुत बढ़िया दिख रहा है, बीच में एक बड़ा सा स्टोन है, और रामनगर के अंदर हम लोग अभी नहीं घुसेंगे, बाईपास करते हुए बाहर से चले जाएंगे और ट्रैफिक भी अवॉइड हो जाएगा। ये देखिए सामने का नज़ारा बहुत ही बढ़िया दिख रहा है, और आप भी देखिए और एंजॉय करिए रोड भी और सामने का नज़ारा भी दोनों। यहाँ से अभी हम लोग हाँ, तो अभी थोड़ी देर बाद हम लोग यहाँ से लेफ्ट ले लेंगे और NH 275 को छोड़ देंगे, और अपना जो आगे का तलकाड़ू जाने का प्लान है वो यहाँ से हम लोग लेफ्ट लेके आगे जाएंगे। तो अभी हम लोग हाईवे छोड़ेंगे और जो स्टेट हाईवे है उसमें कनेक्ट कर देंगे, तो आगे देखते हैं जाके रोड कैसा है, जैसा भी है मैं आपको आगे अपडेट देता हूँ। तो अभी हुआ क्या है कि जहाँ पे आपको आके लेफ्ट यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे आपको लेफ्ट नहीं ले पाएंगे आप तलकाड़ू के लिए, और अभी मैं बैक कैमरे से दिखा रहा हूँ, हम लोग अंडरपास करके पीछे जाना पड़ेगा माधुर के पास, और माधुर से जाके आपको तलकाड़ू के लिए लेफ्ट लेना है।
तो ये जो अंडर पास है हम लोग 10 किलोमीटर आगे आगे और थोड़ा बैक कैमरा से आगे अगर आप आगे दिखा देंगे तो हुआ क्या कि अभी हम लोग यूटर्न लेके वापस जा रहे हैं माधुर के पास और माधुर का जो फ्लाईओवर है उसके नीचे से हमें राइट लेना है। हम लोग 10 किलोमीटर आगे आ गए थे। जो मैप दिखा रहा है वो मैप एक्चुअली एक रोड है, वो बहुत ही खराब रोड है, सब लोग मना कर रहे हैं उस रोड में जाने के लिए। तो हमारे साथ काफी लोग अभी यूटर्न लेके हम लोग अभी माधुर के पास जा रहे हैं 10 किलोमीटर बैक और उसके बाद राइट लेके मालावली रोड में हम लोग फिर तलकाड़ू की तरफ जाएंगे। तो थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया लेकिन क्या करें, मैप अभी तक अपडेट हुआ नहीं है क्योंकि ये नया रोड बना हुआ है, आप सबको पता है। तो चलिए जो भी आगे अपडेट होगा मैं आपको देते जाता हूँ। तो अभी हम लोग तलकाड़ू का जो रोड है वो ले लिया है, मालावली और 22 किलोमीटर है और मालावली के बाद हम लोग आगे का रोड जो है तलकाड़ू का वो लेंगे। तो थोड़ा कंफ्यूजन है क्योंकि जो नया रोड बना है उसमें गूगल ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक सिटी साइड से आते हो मैं बोलूँगा आप कनकपुरा रोड ले लो। कनकपुरा रोड लेने से क्या होगा कि आपको मालावली देते हुए वो वाले रोड में आप आ जाओगे। हम लोग को ऐसा क्या हुआ कि हम लोग माधुर वापस आए, माधुर क्रॉस करके हम लोग आगे चले गए थे गूगल के सहारे, फिर वापस माधुर 10 किलोमीटर वापस आए। आने के बाद जो माधुर का नीचे जो फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर के नीचे से आपको तलकाड़े की तरफ मालावली रोड जो है वो वाला लेना पड़ेगा और 5-6 जगह पूछना पड़ा, थोड़ा टाइम वेस्ट हुआ और थोड़ा किलोमीटर भी ज़्यादा हम लोग 20 किलोमीटर ऑलमोस्ट ज़्यादा चले गए। तो ये चीज़ का आप थोड़ा ध्यान रखना, गूगल जो मैप दिखा रहा मैप अपडेटेड नहीं है तो आप थोड़ा देख लेना ये सारा चीज़। अभी हम लोग इनके पार्किंग में पहुंच चुके हैं, देखते हैं कहां पे गाड़ी लगाएंगे। एक अच्छा जगह देख के छांव में थोड़ा गाड़ी लगाते हैं। ये तलकाड़ू का पार्किंग एरिया है और ये पूरा सराउंड आप देख सकते हैं। और ये सामने हमें लेफ्ट साइड में जो दिख रहा है इस साइड में हम लोग जाएंगे और पहले लगा के आते हैं गाड़ी कहीं पे, फिर देखते हैं आगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे खाने का स्टॉल्स हैं पार्किंग के पास और बहुत सारे बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए टॉयज वॉयज बहुत सारे बने पड़े हैं। टी कॉफ़ी का यहाँ पर बहुत सारा प्रबंधन है और ये देखिए बहुत साइड में बहुत सारे खाने पीने का बंदोबस्त है। ऐसा नहीं कि आपको कुछ मिलेगा नहीं, सब कुछ आपको यहीं पे मिल जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और आइसक्रीम वाइसक्रीम भी है यहाँ पर और अपना पूरा गैंग इस साइड में है और यहाँ पे एक ब्रिज का भी काम चल रहा है, आप सामने देख सकते हैं। तो हम लोग थोड़ा पास चलते हैं, पास चल के बाकी डिटेल मैं आपको दिखाता हूँ। गर्मी बहुत है, अभी लगभग
दो बज चुके हैं और इसलिए थोड़ा गर्मी ज़्यादा है। ये अपना गैंग इधर पीछे सब छाते वाते के साथ आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो घर से हम लोग बना के लेके आए थे पूरा कुकिंग करके, और ये देखिए अभी हम लोग का खाना परोसना चालू है, और उसके बाद हम लोग फटाफट खा लेंगे और खा के फिर बाकी पानी में जाके फिर मस्ती करेंगे। और इधर खाना लगते ही इधर बंदर भी आना चालू हो गए हैं। ये देखिए बंदर आ रहा है पीछे से, ये देखिए। अपना देखिए खाना पूरा रेडी है, मस्त घर से हम लोग बना के रहे थे। राइस है, कर्ड राइस है, पनीर भुर्जी है, एग मसाला बॉयल्ड एग है, और उसके साथ पिकल और सलाद। तो चलिए खाना स्टार्ट करते हैं। बंदर यहाँ पे आतंक मचाए हुए हैं, तो इससे पहले हम लोग खा लेते हैं। तभी हम लोग आके पहुँच चुके हैं यहाँ पे तलकाडू का, जो कावेरी रिवर का जो शोर है वहाँ पे पहुँच चुके हैं। भीड़ देखिए कितने भीड़ है यहाँ पे, और लोग यहाँ पे मस्त एंजॉय कर रहे हैं। और हम लोग ये जो नाव राउंड वाला नाव है इस पर हम लोग जा रहे हैं, और फाइनली हम लोगों ने डील देख लिया है 300 रुपये करके एक फैमिली का, तो 600 रुपये में दो फैमिली का आ रहा है। तो ठीक है चलिए, एक ये वाला है और एक ये अंकल जी का है इधर वाला, तो ये दोनों हम लोग लेके जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं अंदर, अंदर बैठ के भी बाकी डिटेल में आपको दिखाता हूँ। और हम लोग का बोट ये है, हम लोग यहाँ पे बैठ गए अपने नाव पे। ये देखिए पीकू और मैं इधर, ये देखिए पीकू और मैं इधर है। अपना दोनों बोट साथ में आ चुका है और दोनों का मजा लिया जा रहा है। ये देखिए दोनों ने दो सेपरेट लिया, एक में सात लोग खाना मुश्किल है। भैया थोड़ा एक राउंड स्लो राउंड करके, ज़्यादा स्पीड नहीं थोड़ा सा, तो अभी वो राउंड घुमा रहे हैं हम लोगों को। ये देखिए बहुत मजेदार, मेरा सर चकराने लगता है, बहुत ही मजेदार। तो अभी शाम के 4:40 बज चुके हैं और अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं वापस जाने के लिए, कपड़े उपड़े चेंज हो चुका है। तो चलिए सबसे पूछते हैं कैसा रहा भाई, मज़ा आया कि नहीं? हाँ कैसे लगा?
वंडरला से बेटर है। वंडरला से बेटर है, बच्चों से पूछते हैं भाई, बच्चे लोग कैसे लगा? बहुत बढ़िया। तो चलो, पैसा वसूल हो गया तलकाड़ू आने का। तो आशा करते हैं ये ब्लॉग भी आपको अच्छा लगेगा, और अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो आप मत ही भूलना यूमा ट्रैवलर्स को, ताकि ऐसे ही कंटेंट हम लोग आपके लिए लेके आ सके। चलिए भाई, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और देखते रहिए यूमा ट्रैवलर्स।